हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल लर्निंग टेल्स में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो रीसेंट सिलेबस रिडक्शन हुआ है CBSE में, उसकी पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि क्या इस रिडक्शन से बच्चों आपका फ़ायदा हुआ है या फिर इन्होंने जस्ट एक फॉर्मेलिटी करी है। तो पूरा पूरा वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि हम डिटेल्ड डिस्कशन कर पाए। मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स लूँगा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और उसमें बताऊँगा कि कौन कौन सा पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा पोर्शन हटाया गया है और क्या ये आप बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है या फिर जस्ट एक ऊपर से फॉर्मेलिटी हुई है जस्ट। तो देखिए, पहले तो जो रिडक्शन हुआ है सिलेबस में वो हमें डाउनलोड करना आना चाहिए। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, हम जाएंगे cbseacademic.nic.in, इस वेबसाइट पे जाएंगे और इसमें हम देखेंगे ये करिकुलम वाला जो सेक्शन है इसमें रिवाइज्ड करिकुलम पे क्लिक करेंगे। मैं ये सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, फिर भी हमको एक बार आना चाहिए ये। फिर रिवाइज्ड सीनियर सेकेंडरी करिकुलम देखें, हम 11th-12th की पोर्शन की बात करते हैं तो उसमें बेटा ये एक लिंक है करिकुलम डिडक्शन डिटेल्स, डिलीटेड पोर्शन बता रखा है इसमें। तो अगर इसे हम क्लिक करें तो देखिए, इसे क्लिक करने पे ये सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इसमें कौन कौन से पोर्शंस डिलीट करे गए हैं ये सब हमको बताया गया है। जैसे इधर केमिस्ट्री में क्या डिलीट हुआ है, इधर बायोलॉजी में हम क्या डिलीट हुआ है, फिजिक्स में कौन कौन सा पोर्शन है जो डिलीट किया गया है, ऐसे मैथमेटिक्स में। तो हम एक एक करके जो मेन हमारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इस पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन सा पोर्शन आपका डिडक्ट हुआ है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो देखिए बेटा, तो ये है हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन, है ना। तो केमिस्ट्री का पोर्शन, दिस इज 11th का पोर्शन। तो इसमें हम देखें पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो मोल कॉन्सेप्ट भी होता है। तो उससे देखो बेटा क्या हटाया है, नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये हटा दिए गए हैं, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये हटा दिए गए हैं। तो बाकी जो पूरा का पूरा चैप्टर है दैट इज कंप्लीट, है ना, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन आपसे जो पोर्शन हटाया गया है वो केवल आपको दे रखा है जैसे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो अगर आप इनको ध्यान से बेटा ऑब्जर्व करें तो जैसे देखिए सेकेंड चैप्टर है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हटा दिया गया है। अब बेटा इससे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते थे, तो वो ही ज़्यादातर आप चैप्टर्स देखोगे तो वो पोर्शन हटाया गया है जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं। तो जो 30% रिडक्शन बोल रहे हैं सिलेबस का, उसका इतना कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो पोर्शन हटाया गया है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं। जैसे देखिए बेटा, जो थर्ड चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उससे बोल रहा है हटाया है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है, डोबरनियर के ट्रायड्स हैं। अब वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं, तो अगर उस हटाने का भी क्या फ़ायदा, एक जस्ट मेरे हिसाब से एक ये बस फॉर्मेलिटी करी गई है। तो केमिकल बॉन्डिंग से कुछ भी नहीं हटाया है। स्टेट्स ऑफ मैटर से हम बात करें तो जो लास्ट का पोर्शन होता है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हटाई गई हैं। ऐसे ही हम देखिए इक्विलिब्रियम से हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हटाया गया है। ऐसे अलग अलग चैप्टर्स से कुछ कुछ सब टॉपिक, बहुत जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं वो हटा दिए गए हैं। अब देखिए जैसे हाइड्रोजन और एस ब्लॉक देखिए, तो एस ब्लॉक से काफ़ी सारी चीज़ें हटाई गई हैं, पर अगर आप एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वो ऑलरेडी ही बहुत छोटा चैप्टर है, तो उससे चीज़ें हटा के क्या फ़ायदा, इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा बच्चे को, है ना। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वहाँ से इन्होंने ज़्यादा पोर्शन रिमूव कर दिया है ना, विच इज़ नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही अब देखिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो एंटायर चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया। अब भाई एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑलरेडी ही इतना इजी चैप्टर है, वहाँ से अगर क्वेश्चन आता तो बच्चा डेफिनेटली कर पाता, उसके मार्क्स इंप्रूव होते। इस चैप्टर हटाने का कोई मतलब ही नहीं है, आप इजीली एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1-2 घंटे में पढ़ के आप लोग अच्छे मार्क्स उसमें बोर्ड्स में लेके आ सकते हैं, पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दिया गया है। ऐसे ही अब ये 11th का पोर्शन है,
अब ऐसे ही हम ट्वेल्थ के पोर्शन की बात करें तो सॉलिड स्टेट से आपके जो पीएनपी टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं वो हटा दिए गए हैं, सॉल्यूशन से वेंट ऑफ फैक्टर, तो बहुत ही छोटी छोटी और बहुत ही आसान सी चीज़ें सिलेबस से हटाई हैं, जिससे मेरे को नहीं लगता कि कोई खास बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर करें। जैसे देखिए, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एंटायर यूनिट मेटलर्जी बोलते हैं इसे हम, है ना, यहाँ से पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। तो बहुत ही छोटा चैप्टर था वैसे भी मेटलर्जी, उसे हटा दिया गया है, तो इतना ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है। तो ये अलग अलग जैसे चैप्टर्स हैं, पी ब्लॉक, डी एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहाँ से कौन कौन से चैप्टर्स से कौन कौन सा पोर्शन हटाया गया, ये सारे की सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो इसका मैं पूरा का पूरा लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसे जाके डाउनलोड कर लो। जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स है, ये डैश लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन से कुछ भी नहीं हटाया गया है। यहाँ और देखिए, जैसे देखिए पॉलीमर्स चैप्टर हो गया आपका, जो छोटा चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं आपके। चलो अब हम फिजिक्स की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। तो फिजिक्स का पोर्शन अगर हम देखें, डिलीटेड पोर्शन, आपका पूरा का पूरा चैप्टर वैसा ही है, जो केवल पोर्शन डिलीट हो रहा है वो केवल यहाँ पे बता रखा है। तो देखिए देखिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर से बोल रहा है स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, ये हटा दिया गया है। थर्ड चैप्टर से बोल रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस हटा दिया गया है, इनर्शियल फ्रेम रहेगा या मूविंग फ्रेम रहेगा, एक्सेलरेटेड फ्रेम, वो हटा दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे सेकेंड चैप्टर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, तो सेकेंड चैप्टर का के पोर्शन से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, वो एज इट इज है। जैसे अब ऐसे ही थर्ड चैप्टर के बाद डायरेक्ट बोल रहा है फिफ्थ चैप्टर है, तो इसका मतलब जो फोर्थ चैप्टर है, अगेन वहां से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है। तो जो फिफ्थ चैप्टर है वहां से इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रिमूव कर दिया है पूरा का पूरा, न्यूटन के तीनों लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ रिमूव कर दिया गया है, है ना। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स रिमूव करे हैं पोर्शन से, जिससे मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बच्चों को, बट स्टिल थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है, विच इज़ गुड, है ना। तो ऐसे वेव से फंडामेंटल मोड एंड हारमोनिक्स, डॉपलर इफेक्ट जो एक इम्पॉर्टेंट था, जैसे जहाँ से क्वेश्चंस आते थे वो रिमूव कर दिया है। हालांकि ईजी टॉपिक है, बट स्टिल अब आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है, है ना। ऐसे ही हम अगर ट्वेल्थ का पोर्शन देखें, तो जैसे फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो वो पूरा का पूरा एक बड़ा सा चैप्टर है, वो पूरा चैप्टर एज इट इज रखा है, जस्ट उसमें से स्मॉल पोर्शन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल, ये हटा दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग चैप्टर से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से साइक्लोट्रॉन जो एक्सपेरिमेंट रहता है वो हटा दिया गया है, अपैरेटस, है ना। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग चीज़ें हटाई हैं, हालांकि ज़्यादा कुछ मेजर टॉपिक्स नहीं चेंज किए गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेनिफिट देने की कोशिश करी गई है। जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हटा दिया है, बाकी सारा का सारा चैप्टर एज इट इज़ है। तो ये है, अगर हम फिजिक्स में बहुत ही ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा चैप्टर नहीं हटा है। जैसे केमिस्ट्री में हमने देखा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा हटा दिया गया है, फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। देखिए अब मैथ्स की तरफ चलें, तो इस पूरे के पूरा जो सिलेबस डिलीट किया गया है, तो इससे कौन से बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, जो 2021 में बोर्ड्स देंगे बच्चे वो इफेक्ट हो रहे हैं, है ना। अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे जो नीट और जेईई का जो सिलेबस है, क्या उसमें भी कुछ चेंज आएगा, अभी उसमें हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो देखो मैथ्स में अगर हम बात करें तो डिफरेंस ऑफ सेट्स, जो माइनस हम करते हैं सेट्स को, वो चेंज किया गया है, है ना। बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस हैं इसमें भी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बहुत ही आसान चैप्टर पर लेकिन पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, है ना। आसान चैप्टर्स को डिलीट करने का क्या मतलब है, जहाँ से वहाँ से बच्चा स्कोर कर सकता है मार्क्स, उसका कोई भी सेंस नहीं है डिलीट करने का, है ना। ऐसे ही देखिए जैसे बाइनोमियल थ्योरम, अगेन एन ईजी चैप्टर, वो डिलीट कर दिया गया है। अरे भाई, जहाँ से बच्चा मार्क्स स्कोर कर सकता है वो चीज़ क्यों डिलीट कर रहे हैं आप, इससे तो बल्कि बच्चे के मार्क्स और कम हो जाएंगे एंड डीमोटिवेट होएगा बच्चा,
है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग अ वेरी इजी चैप्टर, उसे पूरा का पूरा चैप्टर आपको डिलीट कर दिया गया है। इस पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए, है ना। तो ये पूरा का पूरा जैसे 11th का पोर्शन, दिस इज योर 12th का पोर्शन, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें आप डिलीट करी गई हैं, रिलेशन एंड फंक्शन से कॉम्पोजिट फंक्शंस डिलीट किया गया है, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ना, ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें डिलीट करी गई हैं। कैलकुलस से देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से कुछ चीज़ डिलीट करी गई है, इंटीग्रल्स है भाई, अब देखो केवल ये दो टाइप के इंटीग्रल्स डिलीट करे गए हैं, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल डिलीट किया गया है। तो बहुत ही माइन्यूट चेंजेस करे हैं सिलेबस में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा ये। जैसे बायोलॉजी में चले हम लोग, तो बायोलॉजी में भी बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं। अब ये थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन यहाँ से आपने बहुत कम डिलीट किया गया है। एंजियोस्पर्म्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, इतना सा ही आपने डिलीट किया गया है। मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट से कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं, एनाटॉमी से कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं, है ना। तो ये अलग अलग पोर्शन से अलग अलग टॉपिक्स सब टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, तो इन सबको एक बार आप देख लीजिए। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर वही रहेगा, बस कुछ चीज़ें इसमें से, हर एक चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 12th का पोर्शन देखें तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन, इन सबसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हटा दी गई हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या नीट और जेई के जो स्टूडेंट्स हैं, जो वो नीट और जेई का पेपर देंगे, क्या उन पे कुछ फ़र्क आएगा, तो उन पे कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। ये जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, दिस इज़ एंटायरली फॉर बोर्ड्स, आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी, आपकी आपसे ये इन पोर्शन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये पोर्शन होंगे, और ये पोर्शन अगर हैं आपके एनसीईआरटी में तो वो ज़रूर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो जो बच्चा नीट या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए कोई भी सिलेबस में कमी नहीं आई है। बस जो ये भी पोर्शन आप लोगों को बताया गया है, इसमें बस ये दिया गया है कि जो बोर्ड में इन सब टॉपिक से आपके पास क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये स्टूडेंट्स के लिए, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर तौर से फॉर्मेलिटी करी गई है एक। ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए लर्निंग टेल्स को, ऐसे यूज़फुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।